जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज, धर्म संस्कृति एवं ज्योतिष संबंधित चैनल। और आज हम सिंह राशि 2021 का पूरे वर्ष का राशि फल लेकर आए हैं। सिंह राशि 2021 के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए साल का आगाज बहुत अच्छा होने वाला है। साल के पहले महीने जनवरी में राशि का स्वामी सूर्य कैरियर के स्वामी बुध के साथ सुख के स्थान यानी कि धनु राशि में रहेंगे, जो सुख संबंधी चीजों को देने वाले होंगे। काम में सफलता वृद्धि का योग। व्यापार करने वालों के लिए भी यह बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि बिजनेस का स्वामी बृहस्पति का शनि के साथ त्रिकोण में जाकर एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाना व्यापार में राजयोग बना देता है। धन का स्वामी शुक्र का भी पराक्रम के स्थान में आकर भाग्य पर दृष्टि डाल रहा है। भाग्य का स्वामी होगा, भाग्य का साथ देने वाला होगा। धन का लाभ, स्वास्थ्य उत्तम, लेकिन फाइनेंस में स्थिरता नहीं रहेगी। पैसे आएंगे और जाएंगे भी। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आपके वित्त से लेकर के अर्थात धन से लेकर कैरियर व संबंध तक के लिए यह समय अच्छा रहेगा। फरवरी माह यानी कि पहली तिमाही का दूसरा महीना भी सिंह राशि वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। सूर्य लाभ घर के स्वामी होकर के सुख के घर में मकर राशि में बैठे हुए हैं। चार ग्रहों का एक चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र वालों के लिए तो यह बेहतरीन रहेगा, परंतु मन में थोड़ा चंचलपन आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। व्यापार का विस्तार होगा और कुछ विशेष शुभ समाचार मिलने के भी संकेत मिलते हैं। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। पैसे के नए नए साधन जुटाएंगे। मार्च का महीना भी सिंह राशि वालों के लिए ऊर्जा से युक्त रहने वाला है। कार्य क्षेत्र वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा कह सकते हैं। मन में कार्य के प्रति एक ऊर्जा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं। आपका प्रमोशन व इंक्रीमेंट होने की पूरी संभावना है। सूर्य का कैरियर के स्वामी बुध के साथ सुख भाव में बैठना है और अपने घर को देख मन में एनर्जी आत्मबल आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन व्यापार करने वालों के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि व्यापार का जो क्षेत्र है उसमें राहु के साथ मंगल का बैठना अंगारक योग बना रहा है, जो छोटी छोटी बातों में गुस्से का कारण बन सकता है। व्यापार में तनाव की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर अधिक चिंता ना करें। अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए, नौकरी पेशे वालों के लिए व बिजनेस वालों के लिए अच्छा ही रहेगा। व्यापार करने वालों के लिए एक अच्छा समय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बुध का कुंभ में बैठना, सूर्य का शुक्र के साथ सुख के स्थान में बैठना और सूर्य का भाग्य के स्वामी होना आपके लिए बेहद शुभ कारक रहेगा। इस समय आपको भाग्य का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। कर्म भी साथ देने वाला होगा। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। व्यापारी जातकों के लिए भी यह बहुत अच्छा समय रहेगा। जो जातक विदेश जाने की इच्छा रख रहे हैं, वे अगर प्रयास कर रहे हैं तो यह समय एक विदेश संबंधी योग भी बना रहा है। यह समय धन के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना बनती है। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सेहत में सकारात्मक बदलाव होता दिखाई देगा। मई का महीना भी सिंह राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि शनि का लगन में अपनी राशि में बैठ कैरियर पर दृष्टि डालना, साथ ही भाग्य के स्वामी के साथ सुख के स्थान में एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाना बेहद शुभ साबित होगा। सूर्य का गोचर मेष राशि में आना व कैरियर को देखना कार्य क्षेत्र वालों के लिए एक बहुत अच्छा समय बन सकता है। लेकिन व्यापार करने वालों के लिए
मई माह का समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा, मन चंचल बना रहेगा, स्थिरता नहीं रहेगी। व्यापार में लाभ कम घाटा ज्यादा होने के भी योग बनते हैं, जिसके कारण आप तनाव में आ सकते हैं। इसी माह में बुध भी वक्री होने वाले हैं, लेकिन वक्री बुध अच्छा फल देने वाले हैं। विवेक व वाणी से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय को बहुत अच्छा नहीं कह सकते, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। धन का भी बहुत अच्छा साथ नहीं रहेगा। जून का महीना भी सिंह राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला होगा, क्योंकि बृहस्पति का लग्न में बैठना, भाग्यों को देखना एक अच्छे परिणाम देने वाले योग बना देता है। बृहस्पति इसी महीने वक्री हो जाएंगे, लेकिन वक्री बृहस्पति का फल भी आपके लिए सकारात्मक ही होने वाला है। व्यापार व कार्य दोनों के लिए समय उत्तम रहेगा, आपको सफलता मिलने की अधिक संभावना है। धन के लिए भी अच्छा है, रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ धन कमाने के नए रास्ते भी बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए एक उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। सूर्य का गोचर वृष राशि में मंगल का मिथुन राशि में एक साथ अच्छा फल देने वाला होगा। जुलाई का महीना भी सिंह राशि वालों के लिए विशेषता वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम रहेगा, व्यापार के लिए भी अच्छा समय कह सकते हैं। कार्यक्षेत्र वालों के लिए उचित समय नहीं है, इस समय आपको अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा, किसी भी तरह की लापरवाही न करें। कार्यक्षेत्र का स्वामी बृहस्पति का 12वें घर में बैठना कार्य में लांछन असफलता दिलाने वाला बन सकता है, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र के प्रति सचेत रहें। बृहस्पति का वक्री होकर के 12वें घर में बैठना हेल्थ के लिए भी एक अच्छा समय नहीं कह सकते हैं, आपको पेट संबंधी समस्या हो सकती है। अगस्त का महीना सिंह राशि के मुताबिक व्यापारी जातकों के लिए एक बहुत अच्छा समय रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए आयाम, कार्य में सफलता, प्रमोशन व इंक्रीमेंट होने की भी पूरी संभावना है। इसके साथ ही आपको अपने वरिष्ठ सहयोगी से सपोर्ट भी मिल सकता है। बिजनेस वालों के लिए यह समय विस्तार का रहेगा। सूर्य का गोचर कर्क राशि बुध के साथ बैठना और कैरियर को देखना कैरियर को चमकाने वाला योग बना सकता है। आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। प्रेम संबंधों वालों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। शादी संबंधी अगर बातें जिन जातकों की चल रही हैं, तो उनके भी शुभ परिणाम आ सकते हैं। सितंबर का महीना सिंह राशि के लिए अच्छा रहेगा, व्यापार करने वालों के लिए भी शुभ रहेगा। इस समय का उपयोग आपको अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए करना होगा। नौकरी पेशे वालों के लिए काम में ग्रोथ व इंक्रीमेंट होने का संकेत मिलाता है। अपने बड़े अधिकारी से सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य का गोचर पराक्रम में बैठना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। पराक्रम का स्वामी का भाग्यों को देखना बेहद शुभ कार्य रहेगा। सिंह लवर्स के लिए अच्छा समय है, आपका रिश्ता एक नए स्तर पर होगा। वैवाहिक जातकों के लिए यह समय प्यार भरा रहेगा, धन लाभ होने के भी संकेत मिल रहे हैं, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। इसके साथ पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सिंह राशि वालों का बहुत अच्छा रहने वाला है। अक्टूबर का महीना भी सिंह राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव के साथ सफलता का नया सवेरा लाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र वालों की बड़ी मुश्किलें थोड़ा और तेजी पकड़ सकती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं रहेगी। कुछ समय के बाद समय बदलने वाला होगा, आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे। पराक्रम के स्वामी सूर्य का सुख के घर में मंगल के साथ बैठना एक शुभ योग बना देता है। सिंह प्रेम वालों के लिए अच्छा समय रहेगा, वैवाहिक जीवन वालों के लिए अच्छा समय रहेगा। विदेश संबंधी योग भी बन रहे हैं। नवंबर माह का महीना भी सिंह राशि वालों के लिए व्यापार के लिए विशेषता उत्तम, कार्यक्षेत्र वालों के लिए भी अच्छा जाने वाला होगा, क्योंकि सूर्य का धन का स्वामी होकर के गोचर करना
तुला राशि में बैठना एवं कैरियर का स्वामी मंगल के साथ एक योग बनाना कैरियर और व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए और वैवाहिक जीवन वालों के लिए भी उत्तम समय रहेगा। इसके अलावा प्यार और धन के मामले में भी अनुकूल रहेगा। दिसंबर का महीना भी सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला होगा, क्योंकि सूर्य का लग्न का स्वामी होकर के सुख के घर में बुध के साथ एक आदित्य योग बनाना गोचर करके वृश्चिक राशि में आना कार्य क्षेत्र वालों के लिए उत्तम, लेकिन व्यापार करने वालों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव के बाद अच्छा रहेगा। प्यार करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कह सकते, दोनों के बीच में आपसी सामंजस्य की कमी आंकी जा सकती है। जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, अमेजिंग सीक्रेट राज इस चैनल में ज्योतिष, धर्म, संस्कृति, प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारी हम लाते रहते हैं। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।